अपना गाड़ी थोड़ा पुराना नहीं है? हमारा मतलब है कि गाड़ी चाहे कैसा भी हो, अगर हम चलाते ना तो हवाई जहाज बना देते इसको। बाकी आज हम नहीं चलाएंगे, आज हमारे मिस्टर ही चलाएंगे और हम बगल में बैठेंगे। हम भैया के बगल में बैठेंगे। अब रुको, कहा है ना कि आपके भैया जो है हमारे रिश्ते में सैया लगते हैं, तो हम बगल में बैठ जाए और आप अपनी मिसेज के पास बैठिए, जोड़ा भी बन जाएगा ना। बैठिए। थैंक यू। अरे भाई, इस सिनेमा बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको कैसे बेचना है वो ज्यादा महत्व रखता है, समझे? हाँ चलिए भैया, चला जाए। हाँ हाँ ठीक है, हम रखते हैं फोन। हाँ चलिए, सिनेमा कैसे बनाना है हमको सिखाने लगते हैं ये लोग। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं भैया। तो मुंह कहाँ छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, चलिए ना। अरे तो मुंह तो नहीं काला करके आ गए हो? कैसे बात कर रहे हैं भैया? अरे दिखाओ, अरे अरे दिखाओ ना, दिखाओ ना। अबे ये कहाँ है बे? हैं? ए इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। भैया हमको भी गाड़ी सीखना है। सिखा दूंगा। इनका मूड को कैसा ठीक करें? हम पहली बार सब साथ में बाहर जा रहे हैं, एक फोटो तो बनता है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फी। ओहे, सेल्फी लेते हैं। सुनिए थोड़ा गाड़ी रुकाइए ना। रागिनी मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है सेल्फी के लिए। अब अच्छा ठीक है, चलिए आप गाड़ी चलाइए, हम सेल्फी ले लेते हैं। मैं ड्राइव कर लूं। देखिए ना कितना फोन हिल रहा है, एक भी अच्छी सेल्फी नहीं आई। अब आया ना लल्लन टॉप फोटो। आए हाय, बड़े अच्छे लग रहे हो और हम भी कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए देखिए। भाभी हमको भी सेल्फी निकालना है। हाँ हाँ बिल्कुल निकालिए सेल्फी, हमारा मोबाइल लीजिए और दोनों सेल्फी निकालिए। भाभी हम अपना सेल्फी बाद में निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में निकाल लीजिएगा, पर गाना जो है वो अभी ही चलाएंगे हम, नहीं तो कहाँ आना फिर सफर का मजा नहीं आएगा, है ना? चलाइए चलाइए। ठीक है। ये गाना अच्छा नहीं है, दूसरा बजाते हैं। पता नहीं आज रेडियो वालों को क्या हो गया, पगला गए हैं बिल्कुल।
आई एम सो सॉरी, तुम प्लीज बेल्ट पहन लो। कौनो बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। सृष्टि जी, आपको चोट तो नहीं लगी? हम त्रिभुवन को पकड़ने आए थे, लेकिन आपके प्यार ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अब एजी सुनिए ना, रोकिए ना, कुछ खाते हैं ढाबे पे। अब एक नया ड्रामा है, 20 मिनट पहले हम लोग घर से निकले, तुम्हें फिर भूख लग गई। वैसे भैया, सृष्टि जी को भी भूख लगी होगी, वो तो सवेरे से कुछ खाए भी नहीं है। What? You didn't eat anything since morning? No, but I'm okay. But did you eat or no? I didn't, but I'm okay. It's not okay. Let's have lunch and then. But. इका बतिया लिए दोनों आपस में, ससुरा हमें तो कुछ समझे में नहीं आ। चलिए सृष्टि जी। अच्छा, तो दोनों के बीच में एक ही इंटरप्रेटर हुआ है, और हमारे मिस्टर हमारा बात तो नहीं, लेकिन ये कानून की देवी का बात फटाक से सुन ली। अरे रागनी दीदी, आप? नमस्ते। अरे जीजा जी भी साथ हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे ढाबे में, आइए। अनुराग जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद रिश्ते को अच्छे से निभाना भी जानते हैं। Have a seat, please. What would you like to have, sir? Nothing. Can you please ask her what she wants? One pineapple juice and one vegetable club sandwich. Hum bhi juice lenge. Okay, so make that two and one vegetable club sandwich. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. And also, can I have some tissue papers? Sure. पसंद है, हमें ऐसा ही बनना पड़ेगा। बहुत अंग्रेजी बोल रही है ना, अब हम भी देखते हैं। अरे वो मैनेजर, इधर आओ। जी। कम हियर।
हाँ दीदी, वन जूस मी आल्सो। व्हाट? अंग्रेजी नहीं आता है का? जूस भी। ओके जूस। विच वन वुड यू लाइक टू हैव? हाँ? कौन सा जूस लेना पसंद करेंगी आप? अभी तरबूजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केला को तो बनाना बोलते हैं, ये तो मालूम है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? We have banana shake. I will get that. Yes, yes, yes. Sure. Thank you. भैया आप भी कुछ खा लीजिए ना। Can you please get me a black coffee? Sure. My banana juice? No. Black coffee. हाँ क्या कहना चाहती हैं? Please get her a black coffee. अंग्रेजी नहीं समझते हो का? जो हमारे मिस्टर मंगाए हैं ना वही हमारे लिए लेकर आओ। जाओ जल्दी। ओके। और सुनो, यहाँ का जो स्पेशल है वो भी लेकर आओ। जी sure. रही हो दिव्या? पढ़ रही हो का? हाँ दीदी। क्या लगता है दिव्या, इस बार मैट्रिक पास कर लोगी ना? काहे कि तुम मैट्रिक में बीए जितना टाइम लगा दी हो। हाँ सही कह रही हो दुलारी दीदी, इस बार हमको कैसे भी करके मैट्रिक पास करना ही होगा, वरना हम हीरोइन कैसे बनेंगे? एकदम सही कह रही हो। जानती हो को बहुत अच्छा आइडिया है हमारे पास तुम्हारे लिए। छोटकी भौजी है ना, बहुत पढ़ी लिखी है, उनसे काहे नहीं पढ़ती हो? दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहती है। हमको लगता है कि वो तुमको पढ़ा देगी तो तुम अच्छा से पास हो जाओगी। हाँ वाह दुलारी दीदी, बहुत ही अच्छी आइडिया दी है ये तो। काम करने जाना है हमको बहुत। हेलो। अरे हम पराग बोल रहे हैं। दिव्या जी कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं, लेकिन आपको हमारा नंबर कैसे मिला? अरे भाई हम आपके रिश्तेदार हैं, और नंबर जुगाड़ करना कौन सी बड़ी बात है? और वैसे ही रागनी कहाँ है? उसका नंबर नहीं लग रहा है। भाभी तो भैया के साथ बाहर गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दिव्या जी आप बाहर जाती हैं या? अरे भाई उन्हें बैठ के सर हिलाती रहेंगी तो कैसे पता चलेगा कि हाँ है या ना है? अरे अरे शर्मा आ गई हाँ? इका है तब भाप वाला। ये हमारा स्पेशल सिजलर। अरे तो इसे का सीधा चूल्हे से उठा के लाए हो का? अच्छा ठीक है जाओ। तेरे से छोड़ो। अरे कहा इट्स ओके। अरे मैंने कहा ना इट्स ओके, लीव मी। आप थोड़ा शांति से नहीं बैठ सकते? डोंट वरी सिस्टर, इट्स ओके। अरे यू मैनेजर, लेके जाओ अपना भाप वाला यहां से। थैंक यू सर, थैंक यू। ये रही आपकी बड़की बहू,
बुआ, फूफा जी, खुश रहिए। विशु, अनुराग, बुआ आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बताइए, पूछ रहा है आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? अरे भाई, आप जहाँ जहाँ जाते हैं ना, हमको सब खबर रहता है। हमारा चॉकलेट का है? चॉकलेट गाड़ी में पड़ा है, अभी चाहिए? बाद में। नमस्ते बुआ जी। आंखें तरस गई थी तुमको देखने के लिए। अरे बस। नमस्ते। अरे बस 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 बस, खुश रहो। अरे बस बस। तो तुम हो रागिनी बहू। सृष्टि से तो हम उसके बाबूजी के घर ही मिल लिए थे। बहुत समझदार लड़की है। बस तुमसे मिलना बाकी था। आप हमसे भी बतियाइए, आप हमको भी बहुत समझदार मानेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर पहले हम तुम्हारी मुंह दिखाई तो कर ले। अभी मत कहना कि इसका जरूरत नहीं था। सगुन है, रख लिया जाता है। थैंक यू। वैसे कहाँ निकलना हो रहा था तुम सबका? जी वो हम लोग हरिनगर जा रहे थे बिजनेस के सिलसिले से। वो शुक्ला बिल्डर से ना, उनसे मिले। बिजनेस के सिलसिले में शुक्ला बिल्डर से मीटिंग? और कोई नहीं मिला तुमको? अरे एक नंबर का चोर है वो, 50 केस चल रहा है उसके ऊपर, जेल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी योग्यता के हिसाब से काम कहाँ है उसके पास? नहीं जाना तुमको वहाँ। लेकिन मैंने उनकी एड देखी थी नेट पे। अरे सब गड़बड़ झमेला है उसका। हम कह रहे हैं ना, नहीं जाना वहाँ तुमको। तुम कोनो और काम ढूंढो, नहीं होगा तो हम देखते हैं। अच्छा, तो हमरे मिस्टर नौकरी के लिए परेशान है। अब जाके मिलाना हमें, इनके दिल में घुसने का रास्ता।